हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 125 सीसी सेगमेंट में जो है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आपको काफ़ी सारी जो बाइक्स देखने को मिल जाएगी अलग अलग ब्रांड्स की, जिनमें आपको किसी में पावर ज़्यादा है तो किसी में माइलेज कम है, किसी में परफॉर्मेंस कम है तो किसी में फीचर्स कम है। बट गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 3 बाइक्स के बारे में, यानी कि इंडिया की टॉप 3 125 सीसी सेगमेंट की बाइक, जिसमें जो है आपको पावर भी बहुत ही ज़्यादा मिलेगी, जो माइलेज है वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, एंड जो फीचर्स है गाइज वो तो आपको उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं इन्हीं 3 बाइक्स के बारे में। एंड गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको सभी बाइक्स की जो है फीचर, प्राइस, डिटेल सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके के नए नए कंटेंट के आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, फटाफट कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी थर्ड नंबर की बाइक की। तो गाइज, थर्ड नंबर पर आती है अपनी हीरो ग्लैमर एक्सटैक। दोस्तों, ये जो बाइक है 2021 में ही लॉन्च हुई थी, एंड इस बाइक में जो है आपको काफ़ी सारे नए नए फीचर्स जो है उसके साथ कंपनी ने इंट्रोड्यूस कराया था। बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो इस बाइक में जो है आपको 124.7 सीसी का एयर कूल 4-स्ट्रोक BS6 इंजन देखने को मिलेगा, जिसमें जो आपको पावर है 10.84 BHP की पावर एंड 10.6 NM का जो है आपको इसमें टॉर्क देखने को मिलेगा। एंड ये बाइक जो है 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा बाइक में जो है आपको 12 लीटर्स का जो है फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। एंड बात करें अगर ये माइलेज की, ये बाइक आपको कितनी माइलेज देती है, तो कंपनी क्लेम करती है कि ये जो बाइक है ये आपको 64 km/h की माइलेज इजिली दे देती है। बाकी दोस्तों, रियल लाइफ में जो माइलेज है वो अप डाउन होती रहती है, आपको पता ही होगा। इसके अलावा बात करें इस बाइक के फीचर्स के बारे में, तो इस बाइक में जो है आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें जो है आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, एंड साथ ही साथ आपको इस बाइक में टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आपको जो है बाइक में USB चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है। साथ ही बाइक में अगर लाइट सेटअप की बात करूँ तो इसमें जो है आपको LED DRLs मिल जाती है, एंड जो इसकी हेडलाइट है वो भी इसमें आपको LED देखने को मिलेगी, जिसका जो नाइट विजन है वो भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही बाइक में जो आपको LED टेल लाइट मिलेगी और टर्न सिग्नल लैंप इसमें आपको बल्ब में देखने को मिलेंगे। बात करें इसके सीट की, तो इस बाइक में जो है आपको सिंगल सीट देखने को मिलेगी, स्प्लिट सीट का ऑप्शन आपको इस बाइक में नहीं मिलता है। सस्पेंशन की अगर बात करूं तो इस बाइक में आपको फ्रंट में 30mm के टेलीस्कोपिक फॉक मिलते हैं, एंड रियर में आपको इसमें 5-स्टेप एडजस्टेबल जो है हाइड्रोलिक शॉक देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही बात कर लो अगर इसके टायर एंड ब्रेक्स की, तो गाइज इस बाइक में आपको फ्रंट में 80x100 सेक्शन का जो है 18 इंचेस का टायर देखने को मिलेगा, एंड रेयर में जो है आपको 100x80 सेक्शन का ही 18 इंचेस का टायर मिलता है, जिसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा, और इस बाइक के जो भी टायर्स है वो आपको इसमें ट्यूबलेस देखने को मिलेंगे। आपको इसमें विदाउट डिस्क ब्रेक वाला वेरियंट भी देखने को मिल जाएगा। मैं आपको इसके टॉप मॉडल के फीचर्स एंड जो भी डिटेल्स है वो बता रहा हूँ। बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस की। तो गाइस, ये जो बाइक है इसका जो बेस मॉडल है वो आपको 90,000 के जो प्राइस से है ऑन रोड देखने को मिल जाएगा, एंड इसका जो टॉप मॉडल है वो आपको करेक्ट 1 लाख का जो है ऑन रोड देखने को मिलता है, यानी कि 1 लाख रुपए में ये जो बाइक है आपको ऑन रोड देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, एंड 125 cc सेगमेंट में आपको एक कॉम्पैक्ट फुल्ली लोडेड बाइक देखने को मिल जाती है। तो गाइस, सेकेंड नंबर पर आती है अपनी बजाज पल्सर NS125। दोस्तों, ये बाइक है जो 2021 में ही लॉन्च हुई थी, एंड दोस्तों लॉन्च के बाद ही इस बाइक की जो सेल है वो भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी, क्योंकि इस बाइक में जो आपको पावर एंड जो डिज़ाइन एंड जो लुक मिलता है वो रेयरली आपको और किसी 125 सीसी सेगमेंट की बाइक में आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करें अगर इसके इंजन की, तो इस बाइक में जो है आपको 124.4 सीसी का SOST 2-valve एयर कूल DTSI BS6 इंजन देखने को मिलता है, जिसमें आपको जो है 12 BHP की पावर एंड 11 NM का जो है इसमें आपको टॉर्क देखने को मिलता है। ये बाइक भी आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलती है। बात करें इस बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें आपको जो है 12 लीटर्स का फ्यूल कैपेसिटी टैंक मिल जाएगा। 64 km/h की इसमें आपको माइलेज मिल जाएगी, जो कि जो कंपनी क्लेम करती है। इसके अलावा बात करो अगर इस बाइक के फीचर्स की, तो गाइस इस बाइक में आपको बस एक डिसएडवांटेज मिलता है कि इस बाइक में जो है आपको फीचर्स देखने को नहीं मिलते, यानी कि फीचर्स के नाम पे दोस्तों कंपनी ने आपको इस बाइक में कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि इस बाइक में आपको
वही ओल्ड सेमी डिजिटल जो है मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको डिजिटल प्लस एनालॉग का सेटअप देखने को मिलता है। इसके अलावा बाइक में जो आपको लाइट सेटअप की अगर बात करो तो वो भी आपको इसमें हैलोजन ही देखने को मिलेगा। इसकी हेडलाइट, इसके टर्न सिग्नल लैंप, वो आपको इसमें हैलोजन मिलते हैं। टेल लाइट इसमें आपको जो है LED देखने को मिलेगी। एंड साथ ही इस बाइक में जो है आपको एक स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इस बाइक का जो लुक के साथ साथ कंफर्ट है वो भी काफी अच्छा कर देता है। सस्पेंशन की अगर बात करूं तो इस बाइक में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है, रियर में इसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएगा। बात करें अगर टायर एंड ब्रेक्स की तो इस बाइक में आपको फ्रंट में 80x100 सेक्शन का टायर मिलता है, जो कि 17 इंचेस का है, जिसमें आपको 240mm की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। एंड रियर में आपको जो है 100x90 सेक्शन का टायर मिलता है 17 इंचेस का, जिसमें जो आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। ये जो बाइक है दोस्तों, ये आपको टोटल 4 कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी। एंड वेरिएंट की अगर बात करें तो इसमें सिंगल वेरिएंट आता है, यानी कि इसमें ओनली डिस्क वाला ही वेरिएंट मिलेगा, ओनली सिंगल। और बात करें अगर इस बाइक के प्राइस की तो गाइस, इस बाइक का जो ओनर प्राइस आता है वो आपको 1 लाख से थोड़ा अबव देखने को मिलता है, जो कि आपको लगभग 1,13,000 से 14,000 के बीच में इसका जो है ओनर प्राइस देखने को मिल जाएगा दिल्ली NCR में। एंड गाइस, इस प्राइस सेगमेंट में एंड 125cc सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक में जितनी पावर आपको मिल जाती है वो किसी और बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो फाइनली दोस्तों, बात कर लेते हैं अपनी बाइक नंबर 1 की, जो कि दोस्तों है अपनी TVS रीडर 125। दोस्तों ये बाइक हाल फिलहाल में ही इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च हुई थी, एंड लॉन्च के बाद ही इस बाइक ने जो है एकदम तहलका सा मचा दिया, क्योंकि 125cc सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक में जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। इस बाइक में आपको जो है 124.8cc का 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड एयर प्लस ऑयल कूल BS6 इंजन देखने को मिलता है, जिसमें जो है आपको 11.38 PS की पावर एंड 11.2 Nm का जो है टॉर्क देखने को मिलेगा। इस बाइक में आपको 5-स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। एंड ये जो बाइक है दोस्तों, ये ओनली सेल्फ स्टार्ट आती है, बाकी जो 2 बाइक मैंने आपको बताई उनमें आपको जो है किक भी देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस बाइक में आपको 10 लीटर्स का फ्यूल कैपेसिटी टैंक मिलेगा। माइलेज की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा माइलेज मिलती है आपको इसमें 67 KMPL की इसमें आपको माइलेज मिल जाएगी, जो कि कंपनी क्लेम करती है। एंड बात करें अगर अब इसके फीचर्स की तो वो इस बाइक में दोस्तों आपको भर भर के दिए गए हैं। जैसा कि सबसे पहले इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, जो कि 5 इंच का TFT कलर डिस्प्ले है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है। साथ ही इसमें आपको जो है गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, माइलेज शो हो जाएगी आपको, इसमें रेंज शो हो जाएगी, एंड जो अलर्ट इंडिकेटर्स है वो भी इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आपको बाइक में जो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिलेगा, USB चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिलती है। इसके अलावा बाइक में जो है आपको इंटेलिको टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे कि आपको जो माइलेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस बाइक में आपको जो है राइडिंग मोड्स ऑफर करती है कंपनी। इस बाइक में आपको 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, आपको इसमें जो है पावर एंड इको का 2 राइडिंग मोड सेटअप देखने को मिलेगा। बात करें अगर इसके लाइट सेटअप की तो इस बाइक में आपको फ्रंट में LED DRL एंड LED हेडलाइट मिलती है, रियर में आपको इसमें LED टेल लाइट मिलती है, टर्न सिग्नल लैंप इसमें आपको बल्ब में देखने को मिलेंगे। सस्पेंशन की अगर बात करूं तो फ्रंट में आपको इसमें टेलीस्कोपिक फॉक मिलता है, रियर में आपको इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। टायर एंड ब्रेक्स की अगर बात करूं तो ये आपको सेम पल्सर NS125 की तरह ही मिलता है, यानी कि फ्रंट में आपको 80x100 सेक्शन का 17 इंचेस का टायर मिलेगा, रियर में आपको 100x90 सेक्शन का जो है 17 इंचेस का टायर मिलेगा, जो कि ट्यूबलेस टायर है। एंड फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, रियर में आपको इसमें ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। दोस्तों ये जो बाइक है ये टोटल 4 कलर वेरिएंट्स में आपको मिलेगी, और इसके अलावा इस बाइक में 2 वेरिएंट्स आते हैं, यानी कि डिस्क ब्रेक वाला और विदाउट डिस्क ब्रेक वाला। तो बात करें अगर इस बाइक के प्राइस की तो इसके जो डिस्क ब्रेक वाला, यानी कि इसके टॉप मॉडल का जो प्राइस है गाइस ऑन रोड, वो है 1,05,000 से 6,000 रुपये में आपको जो ये बाइक है दिल्ली NCR ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। एंड इसका जो ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है वो आपको लगभग 95,000 का देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपने इंडिया की top 3 125cc सेगमेंट्स की बाइक, जो कि मैंने आपको बता दी। इन तीनों बाइक से बेस्ट बाइक आपको इंडिया में अभी के टाइम में देखने को नहीं मिलेगी। ऑप्शन दोस्तों कई सारे हैं, आप में से कई लोग कहेंगे कि मैंने होंडा की SP125 को क्यों नहीं ली, या फिर पल्सर 125 को क्यों नहीं लिया। तो गाइज वो जो बाइक्स है उनमें आपको पावर वगैरह तो अच्छी देखने को मिलती है, बट फीचर्स के नाम पे उनमें आपको कुछ नहीं मिलता। एंड दोस्तों इस लिस्ट में मैंने जितनी भी बाइक है, यानी कि इन तीनों बाइक्स में आपको मैंने जो भी डिटेल्स बताई है, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा जो फीचर्स हैं इन बाइक्स में मिलते हैं, माइलेज सबसे अच्छी मिलती है, और परफॉर्मेंस तो आपको मिलती ही मिलती है। तो गाइज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरीके के नए नए कॉन्टेंट में लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।